Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. एजुकेशन एजुकेशन बोलते आप लोग एजुकेशन तो पढ़ते आए हो, आप सभी भी एक शब्द तो पहले बार तो नहीं सुन रहे। आपका जब से केजी क्लास स्टार्ट हुआ तब से तो आप सुनते आ रहे हैं, है ना? लेकिन कभी ये सोचा है ये वर्ड एजुकेशन क्यों दिया? Why that word came as education? Can you tell me? Anybody is having the knowledge why we are using the word education? Kisse pucha, what is education? Sir, nothing sir, reading, writing, studying and vomiting in the exam and going and getting a certificate. Is it education? That is education? That is not education. There is having some significant meaning. What is education? देखो बच्चे, education का इस शब्द जो है एजुके कौन सी बात से आया है बोलो सभी? एजुके एजुके ये लैटिन वर्ड है और इसका लिटरल वर्ड मीनिंग है एड्यूस। क्या बोलते हैं? एड्यूस। एड्यूस मना ड्रॉ आउट, मींस ड्रॉ आउट। हर एक में अंदर ऐसे एक कई वैल्यूज है। वैल्यूज का मतलब क्या है? वैल्यू होता है उसको हमको क्या करना है? ड्रा माना बाहर लेके आना है। इसीलिए ये शब्द एजुकेशन आया। अभी आपको मैं परिचित करा देता हूं, ये एजुकेशन वर्ड जो है, एजुकेशन वर्ड जो है ई टी यू सी ए टी आई ओ एन है ना, इसमें कई वैल्यूज होता है, वो आपको परिचय कराता हूं। ई मीन्स एंथुसियाज्म, डी मीन्स डिसिप्लिन, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, A means attention, T means tolerance, I means innovative, O means optimistic, N means nobility. ये सब क्वालिटीज मिलने से एजुकेशन नाम आया है। जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं वो पढ़ाई आप समझते हैं केवल जॉब के लिए। आपको जॉब मिल सकता है, आपको जॉब मिल सकता है अगर आप में अंदर ये वैल्यूज का अवेयरनेस नहीं है तो आप जीवन में बाहर से कितने भी अचीवमेंट कर सकता है। यू कैन अचीव वेरी गुड जॉब, यू कैन अचीव विथ गुड लक्जरी, यू विल गेट वेरी गुड कार, यू विल गेट वेरी गुड व्हाट आई कैन टेल असेट्स प्रॉपर्टीज एवरीथिंग, बट इंटरनली यू विल नेवर फाइंड सैटिस्फैक्शन। एजुकेशन इज जस्ट लाइक टू फेस ऑफ करेंसी कॉइन। आपको मालूम है ना रुपयों की काइन होता है, रुपयों की करेंसी होता है। एक तरफ आपको सब कुछ अच्छा है, बैक साइड प्रिंट अच्छा नहीं है तो क्या उसको हम यूज कर सकते हैं? कोई हमसे लेते हैं क्या? उसका कुछ ये हो सकता है, सब तरह से भी उसका चलन हो सकता है? नो ना। व्हाई? व्हाई इट इज नॉट परफेक्ट। जीवन में भी वैसे होता है। हमने मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, सोशल सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, सब लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को आजकल क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसी कारण क्या होता है, सभी बुकवर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बुकवर्म।
वो समझते हैं मैंने इसमें 100 लाया, उसमें 99 लाया, उसमें मैंने फर्स्ट ट्राई रीच अचीव किया। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार समझाता हूं, इट इज रियल स्टोरी। देयर वाज वन स्टूडेंट, शी इज अ गर्ल बिलोंग टू गुजरात, शी इज ऑलवेज नंबर वन इन हर एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द केजी टू पीजी लेवल शी नेवर गॉन टू सेकेंड प्लेस। वो आईआईटी को ज्वाइन करता, आईआईटी को ज्वाइन करता, आईआईटी में क्या हो जाता है उसको, जब उसका एमडी डिग्री होता है ना, कुछ डॉक्टर मेडिकल या कुछ करने के लिए आईआईटी में जाता है, तो करने वक्त क्या हो जाता है उसका, जस्ट विथ 0.5%, जस्ट विथ वेरिएशन ऑफ 0.5%, उसका रिजल्ट में थर्ड प्लेस आ जाता है। कितना? थर्ड प्लेस। व्हाट शी डज यू नो, शी डजंट टॉक विथ एनीवन, शी गो टू हर रूम, शी क्लोज द डोर एंड कमिट सुसाइड, एंड कमिट सुसाइड। दिस इज द वैल्यूज एजुकेटेड चिल्ड्रन, यू अंडरस्टैंड। आजकल ऐसे बच्चे बहुत वैसे वीक हो रहा है मेंटली, उनको कोई भी तरह के मन का शक्ति ही यूज करना नहीं आ रहा है, उसके अंदर केवल सब्जेक्ट नॉलेज का इनपुट हो रहा है, अंदर जो मन का जो विकास प्रोग्रेस पावर होना है वो सब भी क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। द मेन रीजन फॉर दिस इज यू आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस फॉर चार्जिंग योर माइंड, मन को चार्ज नहीं कर रहे, मन पर लोड डाल रहे, मन पर क्या डाल रहे, लोड। लेकिन उसको जो एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो चार्ज करना है, वो नहीं कर रहे। इसीलिए आप स्कूल में जाते हैं तो ये वैल्यूज के साथ पढ़ाई पढ़ना, केवल स्कूल में जाना और टीचर क्या पढ़ाते हैं उसको पढ़ने से आपको कुछ नहीं होता है, यू विल नॉट एंजॉय। आप वैल्यूज के साथ पढ़ाई पढ़ना, ई मींस एंथुजियाज्म, जो भी सीखते हो उमंग उत्साह से सीखना, ऐसे नहीं जा करके जैसे बैटरी डाउन होता है ऐसे हाँ आपका सिर झुका करके आप सीखना। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग विद प्लेजर, नॉट विथ प्रेशर। प्रेशर अलग है, प्रेशर अलग है। प्रेशर का मतलब क्या है, आई हेट दिस मैथ्स बट वॉट टू डू, आई हाउ टू, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, वॉट टू डू बट आई हैव टू डू। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, दिस इज माई बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री इज माई बोरिंग सब्जेक्ट। If you cultivate such type of thought, you are sowing the seed. The same result will become in your what? In your output of your result. इसीलिए कुछ भी subject आप सीखते हो तो किससे सीखना है बच्चे? Enthusiasm. आप उधर देखेंगे या मेरी तरफ देखेंगे? उधर अभी वो रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा मेरे सामने देखो, आप उधर देखे क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। सुनो इसको, पहले यूनिक एक क्विज होता है ना, उस क्विज में हर एक का क्वेश्चन आता है जो भी ट्रेनिंग लिया, जब आप उसका आंसर नहीं किया तो आपका पूरा ही चले जाता है, ग्रुप का प्राइसेस सब चले जाता है। इसीलिए आप, मैं जो बोलता हूं एक एक वर्ड में भी आपका क्वेश्चन होता है, सो बी केयरफुल। ई मीन्स वॉट? एंथुजियाज्म। यू शुड टेल वॉट इज ई। टी मीन्स वॉट? डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं समझो कि मैं अच्छी तरह यूनिफॉर्म डाल के आओ, नेल कट करके आ जाओ और शूज वगैरह सभी पॉलिश करके आ जाओ, टाइम पर आ जाओ, दैट इज ओनली कॉल्ड एक्सटर्नल डिसिप्लिन। वॉट डिसिप्लिन? एक्सटर्नल डिसिप्लिन। वॉट इज इंटरनल डिसिप्लिन? वॉट इज इंटरनल डिसिप्लिन? कई लोग क्या करते हैं मालूम, आपको बताता हूं क्योंकि आई हैव वर्क्ड इन स्कूल फॉर 15 इयर्स। बाहर से मैडम आता है, सर आता है, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, अंदर सिर दर्द का मैडम,
सीधा कंडीशन है। इंटरनल क्या हो रहा है, इंटरनल क्या हो रहा है, इट इज कॉल्ड इंटरनल इनडिसिप्लिन। अंदर भी प्रोग्राम होता रहता है, बाहर जो आप बात कर रहे हैं सबको देखने में आता है, मन में आप जो सोचते हैं किसको पता चलता है, आप खुद को ही चलता है। इसीलिए एजुकेशन में हमेशा ह्यूमिलिटी रहना है। क्या रहना है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी माना रेस्पेक्ट, नम्रता होना है। इसीलिए क्या कहते हैं, हर एक को भी रेस्पेक्ट से ही गुरु के पास विद्या सीखना है ना, तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। गॉट? नेक्स्ट क्या है? अंडरस्टैंड। जीवन में एनीथिंग यू आर लर्निंग यू शुड लर्न विद फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं इंफॉर्मेशन लिया और उसको बोल दिया, इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है? कई लोग ऐसे रखते हैं, अरे मुझे इस सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स आ गए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम मुझे फेल नहीं होना है। उसी के आधार से कई लोग पढ़ाई पढ़ते। ऐसे पढ़ाई पढ़ने से हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ता है बच्चों। आज हम ऐसे टेक्निक सिखा देते हैं आपको, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाएगा और आपको पढ़ने में उत्साह भी आ जाएगा। सीखने के लिए रेडी है? Yes, sir. रेडी है? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड स्पिरिट।